गुड मॉर्निंग 10th क्लास हाउ आर यू फाइन। तो आज हम करेंगे फिजिकल का लेसन 8 वुमेन एंड स्पोर्ट्स। पहले भी आप इसके बारे में कर चुके हो कि महिलाएं स्पोर्ट्स में कितनी आगे जा चुकी। आज इसके बारे में और डिस्कस करेंगे क्योंकि महिलाएं में और पुरुष में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको थोड़ा पहले भी इसके बारे में कराए क्या क्या इनका डिफरेंस होता है, एक में हम आप इसके बारे में फिर कर लेते हैं। महिलाओं तथा पुरुषों के लिए शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में अंतर के मुख्य कारण क्या क्या, अंतर उनका क्या क्या, महिलाओं और पुरुषों में इनका अंतर क्या क्या है जो हम शारीरिक शिक्षा में करते हैं। महिलाओं के लिए वो कम रखी जाती है गेम जो, और पुरुषों के लिए वो गेम जो है वो ज़्यादा रखी जाती है। हम लिख लेते हैं क्या, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए शारीरिक शिक्षा के कार्य में अंतर, फिर भी कम होने के बावजूद भी ये जो है आगे बढ़ती हर एक। और आपको पता है ना कि महिलाएं भी ओलंपिक में जाती हैं, हर गेम्स में आ गई हैं, गोल्ड मेडल लेके आती हैं, फिर भी इनके और इनके जो अंतर क्या क्या होते हैं, शरीर रचना और क्रिया शक्ति, ठीक है, अंतर होते हैं इनके शरीर रचना और क्रिया। इसके अकॉर्डिंग जो होते हैं वो हमारे इनके शरीर रचना और क्रिया संबंधी जो है वो इनके अंतर पाए जाते हैं। क्रिया संबंधी अंतर थोड़ा सा हम पहले भी इसके बारे में कर चुके हैं, थोड़ा सा फिर मैं आगे इनके लिए डिटेल में करूंगी। शारीरिक निसंधि पुरुषों की तरह स्त्रियां भी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, परंतु इनके कार्यक्रमों में कुछ अंतर है। क्या क्या अंतर है इन दोनों में, पुरुषों तथा स्त्रियों में लिंग भेद होते हैं। क्या होते हैं, लिंग भेद। ठीक है, तो ये इनके लिंग भेद होते हैं अपन, शरीर रचना संबंधी और शरीर क्रिया संबंधी। ये भेद प्रकृति और जन्मजात, ये नहीं कि ये हमारे यहाँ पे आने के बाद ये भेद होते हैं, ये इनके शुरू से ही जन्मजात से ही और नेचुरल कुदरती भेद पाए जाते हैं। महिलाओं को खेल प्रतियोगिता पुरुषों के साथ नहीं हो सकती क्योंकि स्त्रियां खेल कूद आदि में पुरुषों के समान उन्नति नहीं कर सकती। जब भी खेल होते हैं देखें, महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग, कभी ये नहीं होता कि महिलाएं और पुरुषों की एक साथ जो है वो हो,
नहीं, सभी की अलग अलग से खेल होती है, ठीक है। महिलाओं की अलग, अगर जो महिलाएं की है तो महिलाओं की होगी, रेस है महिलाओं की है तो महिलाओं की होगी, पुरुषों की रेस चल रही है तो पुरुषों की ही रेस होगी। ये नहीं है कि जो अलग अलग से इंसान महिलाएं और पुरुषे पुरुष जो है इकट्ठे होते, ठीक है। किशोरावस्था के आरंभ में ही लड़के तथा लड़कियों की शारीरिक विशेषताओं में सूक्ष्म सा अंतर आ जाता है, चाहे ये दिखाई ना देता। जब छोटी होती है सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है लड़की और लड़कियों में, ठीक है। उनकी आवाज में, चाल चलन में, बाकी थोड़ी भी लेकिन कम दिखाई देता है, लेकिन उनके जो है हमारा जो है इनमें अंतर जरूर होता है, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं हो, ठीक है। 10-11 साल तक जो बच्चे हैं वो इनके, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता थोड़ी सी कम होगी। छोटे लड़की हो जाए लड़का हो, सब एक जैसे ही भाग दौड़ करते हैं, धीरे धीरे उनकी जो नेचुरल होते हैं वो आते हैं। ये नहीं कि खाना पीना कम हो ये हो, नहीं, ये उनका नेचुरल ही होता है। 14 और 15 14-15 साल की आयु में लड़कियां भारत में अपने आयु वर्ग के लड़कों के मुकाबले में आगे होती हैं। जब लड़कियां 14-15 साल की आयु में होती हैं तो वो बड़ी बड़ी लगती हैं लड़कों से, लड़के 14-15 साल की आयु में उनके मुकाबले में छोटे लगते हैं, लेकिन जब उसके बाद 16-17 वर्ष की आयु के बाद लड़कों का विकास बहुत तेजी से होता है और वो उन लड़कियों से एकदम से बड़े लगने शुरू हो जाते हैं। अपने घर में भी देखते हो, आपके लड़के लड़की दोनों बच्चे हैं तो दोनों में ही पहले लड़की बड़ी लगनी शुरू हो जाती है, जब लड़का एकदम से बड़ा होता है कद काठ निकालता है तो वो लड़की को पीछे छोड़ देता है और वो बड़ा बड़ा लगता है। लड़कियां की परिपक्वता की गति धीमी होती है जबकि लड़के जल्दी बड़े बड़े लगने शुरू हो जाती है। ये लिंग भेद बालिक लड़के तथा लड़कियों में स्पष्ट प्रकट होने लगती है, जिसके फलस्वरूप लड़के तथा लड़कियों के लिए शीर्ष शिक्षा के कार्यक्रम में भी विभिन्नता आ जाती है। अलग अलग से कार्य होते हैं, ये नहीं है कि हम सभी छोटे थे तो स्कूल वर्ग में अब जब कोई कंपटीशन होता है तो लड़के लड़कियां सभी एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जैसे जो बड़े हो जाते हैं 16-17 साल से ऊपर हो जाते हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है, लड़कियों के जो खेल हैं वो अलग से हो जाते हैं, लड़कियों के खेल से अलग से हो जाती है। एक बार इनको रीड करें जल्दी से, फिर आगे इनका हम करेंगे। जल्दी रीड कर लें। सभी रीड करें। महिलाएं तथा पुरुषों में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में मुख्य अंतर, सभी रीड कर लें। रचना संबंधी और क्रिया संबंधी ये दोनों ही उनके अंतर पाए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में महिलाओं का भागीदारी, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी, ओलंपिक खेलों में औरतों ने इतना भाग लिया क्या क्या किया,
ओलंपिक खेलों में औरतों की महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख क्या क्या किया उन्होंने। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। अनेक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। उन्होंने इन खेलों में अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 10,000 से अधिक एथलीट 2016 में होने वाले रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में शामिल होने जा रहे थे। उम्मीद की जाती है इन्होंने वहां पे भी वो खिलाड़ी है महिला खिलाड़ी है 40% ऊपर अपने इन्होंने गोल्ड मेडल भी लिए। ओलंपिक एथलीट में आप देखते हो पीटी उषा का नाम भी आता है कि उन्होंने भी इनमें में से बहुत से क्या किया है ओलंपिक में जाके फिर इसके एथलीट में भी गए हैं। इन्होंने आगे जाके गोल्ड मेडल मेडल भी लिए। खेल कूद में भाग लेने वाली लड़कियों के सामने आने वाली कठिनाई कौन कौन सी है। खेल कूद में भाग लेने वाली लड़कियों में आने वाली कठिनाई कौन कौन सी है। खेल कूद में आने वाली कठिनाई कठिनाई कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं जो अगर महिलाएं किसी में भाग लेती हैं कौन कौन सी है। माता पिता लड़कियों को घर से बाहर भेजना ठीक नहीं समझते। हमारे समाज में अभी भी लड़कियों के लिए खेल कूद में भाग लेने के लिए ये देखना दृष्टिकोण देखना गलत है। ठीक है क्या करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां ज़्यादा टाइम पढ़ें क्योंकि आज का माहौल ऐसा है। वो अपने बच्चों को अपनी खास करके लड़कियों को अपने से दूर नहीं करना चाहते और वो उनको बाहर भेजने में असमर्थ होते हैं। नहीं हम नहीं भेजेंगे अगर लड़की काम करती है तो नहीं तो कई का है लेकिन फिर भी वो लड़कियां पेरेंट्स कही ये नहीं सभी पेरेंट्स एक जैसे। सेकंड गरीबी के कारण हमारे अधिकांश घरों में पौष्टिक व संतुलित भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती खासकर लड़कियों को सही खुराक नहीं मिलती। माता पिता लड़कियों को घर से बाहर भेजने से कतराती है। माता पिता को लड़कियों को खेल कूद में भाग लेने के लिए संकेता को छोड़कर सहयोग देना चाहिए। दंगल पिक्चर देखी ना सभी ने देखा कि वो दंगल पिक्चर में कैसे अपनी लड़कियों को कुश्ती मनाता है ना कैसे इसको खिलाता है कैसे उनको सुबह सुबह भाग दौड़ करवाता है। रीड करें एक बार आप तो वो अपनी लड़कियों को सुबह उठाता है एक्सरसाइज करता है भाग दौड़ करता है अच्छा खाना खाता है नॉनवेज नहीं खाते फिर भी उनको खिलाता है। पर उनके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमें अपनी लड़कियों लड़कों में कोई भी फर्क नहीं रखना हमें अपनी लड़कियों को भी देश के लिए त्याग करना। आजकल के टाइम में तो देखो स्पोर्ट्स क्या एरोप्लेन भी लड़कियाँ चलाती हैं फौज में भी लड़कियां जाती हैं आगे देश की रक्षा भी करती
पहले टाइम में ये होता था, धीरे धीरे हम सभी का दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। वो अपनी लड़कियों को भी हर शहर में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अगर कोई लड़की है, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में हैं, तो वो अपनी लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में ही भेजते हैं, ध्यान रखते हैं कि वो भी इन, अब जो कठिनाइयाँ बहुत कम आती, पहले पहले कठिनाइयाँ थी, लेकिन अगर पेपर में आपको कठिनाई आ जाए तो ये दो तीन कठिनाइयाँ आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स की गरीबी के कारण, क्योंकि अब तो सरकार भी इनके ऊपर बहुत खर्च करती है, बहुत पैसा देती है, देती है ना, खर्चा भी करती है, ये लो भाई अपना आपका ये पैसा है, ये पैसा आप इनके खेलों के लिए, सिखलाई के लिए, और गांव में अगर लड़कियाँ सेलेक्ट हो जाती है आगे आगे इनको फ्री कोचिंग भी दी जाती है। आप तो ये कठिनाइयाँ जो है धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक बार गौर रीड करें, लड़कियों को खेल में फायदे भी तो होते हैं ना, फायदे तो वही है, लीडरशिप का गुण आता है, पारिवारिक गुण आता है, घर चलाने का, सहनशीलता, ठीक है, भेदभाव मिटाने का, सभी जो होते हैं ये इनके आपस में करने से इनके जो पारिवारिक करेंगे कुछ वन मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे लड़कियां लड़कों से किस आयु में आगे बढ़ती हैं, ठीक है, हमें बचपन में एमसीक्यू में आ जाते हैं ना, 15 से 10 वर्ष की आयु में, 14 से 15 वर्ष की आयु में, 20 से 25 वर्ष की आयु में, किस में आते हैं, 14 से 15 वर्ष की आयु में वो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ती हैं। स्त्रियों के लिए तेज दौड़ना क्यों कठिन है, कसम भी बन जाता है, ठीक है, जांघ की हड्डी का कारण, छोटी टांगों के कारण, छाती के उभार के कारण, उपरोक्त सभी, तो ये सभी पॉइंट जो है वो उनकी रेस में रुकावट डालती हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने ध्यान में रखना ना, कौन कौन से इनके पॉइंट, ठीक है, फिर सुन लो, स्त्रियों के लिए तेज दौड़ना क्यों कठिन है, जांघ की हड्डी के कारण, छाती के उबार के कारण, छोटी टांगों के कारण, ठीक है, तीनों पॉइंट जो आते हैं इसमें आ जाते हैं कि इसके कारण ये नहीं दौड़ पाते। महिलाओं और पुरुषों के अंतर कौन कौन से अभी मैंने बताए, शरीरक रचना, शरीरक क्रियाएं और आयु में अंतर, ठीक है, ये सभी पॉइंट जो आते हैं और उपरोक्त सभी, तो आपको साथ इनके एमसीक्यू में लिखा जाता है उपरोक्त सभी, या इन, तो आप इनको आंसर आएगा उपरोक्त सभी, सभी पॉइंटों में ये। खो खो की दो महिलाओं खिलाड़ियों के नाम, खो खो की दो महिलाएं खिलाड़ियों के नाम क्या क्या नाम है, खो खो वाली की नीलिमा सरोलकर और सुषमा सरोलकर, क्योंकि ये आपको नाम पेपर में आ भी जाते हैं, लिख लेना। खो खो की दो महिला खिलाड़ी दो के नाम लिख लें, कौन कौन सी है, नीलिमा सरोलकर सुषमा सरोलकर,
सभी लिखें ये दो खिलाड़ियों के नाम, सुषमा सभी खिलाड़ियों के। अब ये आपको खिलाड़ियों के नाम भी इसमें जान रखेंगे, कल मैं इसके लिए आपको और भी नाम लिखवाऊंगी। जल्दी लिख लें, कल इन खिलाड़ियों के नाम के बारे में सभी के लिखेंगे। क्या इसमें कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैं भारतीय महिलाओं में खेल कूद की अवनीति के कारण महिला में जो खेल कूद ज़्यादा नहीं होता क्या होता है, समाज की गलत धारणा और खुराक की कमी। समाज की गलत धारणा भी तो हो सकती ना, हर कोई जाना शुरू करता तो देख देख सके उस समय लड़की को भेज सकते, जब हमने आगे जाना तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। हर चीज़ को अपने आपके ध्यान, आप इनको ध्यान में करोगे तो आप इसके नेक्स्ट कल हम इसके टॉपिक करेंगे कौन कौन सी जो खिलाड़ी हैं महिलाएं हैं उनके नेम लिखे, ठीक है। आज इसके बारे में इतना टॉपिक, अपना ध्यान से करें, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।